भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने व सार्वजनिक रैलियों में व अपने भाषण में उन्हें नशे व कोकीन का आदि बताए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया के कार्यालय पहुंचकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। कांग्रेस के नेता सुनील पवार ने कहा कि बीजेपी नेता द्वारा उनके नेता राहुल गांधी के बारे में अपशब्द, आपत्ति जनक शब्द, नशे का आदि कहने से कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपना रोष व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वे सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के अन्य सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठन, महिला कांग्रेस, लीगल सेल, पंचायती राज, यूथ कांग्रेस, SC कांग्रेस, SC सेल, तमाम साथी यहाँ पे मिलके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने पहले भी काफ़ी बार हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर स्टेजेस के माध्यम से गलत टिप्पणियाँ की हैं, उन्होंने अब भी आदरणीय राहुल जी के ऊपर जो संगीन आरोप लगाया कि वो नशा करते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं इनके सिर के ऊपर सत्ता का नशा बोलता है और सत्ता का नशा इनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और जब भी किसी का बुरा वक्त आता है तो इस तरह की गलत टिप्पणियाँ वो दूसरे लोगों के खिलाफ करते हैं। तो आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता SP करनाल को सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपना ज्ञापन अभी SP साहब आएंगे उनको सौंपा जाएगा और तुरंत प्रभाव से प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे, ये भी उनसे निवेदन किया जाएगा। हम सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि पेपरों में सुना और वैसे भी हमने TV के माध्यम से सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, यह बड़ा एक गलत तरीके से उन्होंने बयानबाजी दी है और इस बयानबाजी पे हम लोग जो लीगल सेल का करनाल से सभी पिटीशन तैयार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कोर्ट में डालेंगे और जो भी कोर्ट से उनके खिलाफ निर्णय होगा उनको भुगतना पड़ेगा। और उनको वार्निंग देते हैं कि आज के बाद अगर ऐसी भाषा प्रयोग की हमारे किसी भी कांग्रेस नेता पर तो हम इसको बड़ा स्ट्रोंग वे से तरीके से आगे बढ़ाएंगे और हम सभी बहने भाई जितने भी इकट्ठे हुए हैं एक तरह से पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और जहां तक बीच में हमारी जो भी नीति, जो भी हमारी लीगल सेल से प्रेरणा होगी हम वो काम करेंगे। अपने हाई लेवल के जितने भी नेता उनसे डिस्कस करेंगे और जो नेता हमारे हाई लेवल के जो नेता हैं जो हमें डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन के हिसाब से हम पूरा बलिदान देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाएगी। मैं यही सभी साथियों से आज धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हमें सर मैं कहना चाहती हूँ कि समाज में जिस तरीके की भ्रामकता भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसको रोकने के लिए और आज उस चीज़ जो राहुल गांधी जी को अपशब्द बोले गए हैं उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और SP साहब से हम लोग गुजारिश करेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने एक तमाशा बना दिया है समाज का। इतने बड़े नेता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं, मंच पर खड़े होकर किसी भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या शब्द कहे सर? उन्होंने राहुल गांधी जी को नशेड़ी बोला, कोकीन का आदि बोला और उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी, उन्होंने उनके चरित्र के ऊपर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया उसको रोकने के लिए और आज जो राहुल गांधी जी को अपशब्द बोले गए हैं उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और SP साहब से हम लोग गुजारिश करेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने एक तमाशा बना दिया है समाज का। इतने बड़े नेता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं, मंच पे खड़े होकर किसी भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या शब्द कहे उन्होंने सर? उन्होंने राहुल गांधी जी को नशेड़ी बोला, कोकीन का आदि बोला और उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी, उन्होंने उनके चरित्र के ऊपर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया।